कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन राजस्थान एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ज्ञान गंगा प्रोग्राम के जूलॉजी प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, आज के इस प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन सेशन में लेमन जूस के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड का टाइट्रेशन मेथड के द्वारा एस्टिमेशन विषय पर डेमोंस्ट्रेशन दूंगी। यदि इस एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो यह प्रिंसिपल प्योरली इस चीज़ पर बेस्ड है कि 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल डाई जब एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। यह डाई जो कि एल्कलाइन सॉल्यूशन में ब्लू कलर की होती है, रिडक्शन के बाद कलरलेस हो जाती है और ल्यूकोडाई में कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ ही एस्कॉर्बिक एसिड इट्सेल्फ इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। इस एस्टिमेशन के दौरान एस्कॉर्बिक एसिड का जो सैंपल प्रिपेयर किया जाता है वो 2,6 डाइक्लोरोफिनोल डाई के साथ उसके अगेंस्ट उसको टाइट्रेट करते हैं एंड द टाइटर इज देन यूज टू कैलकुलेट द एस्कॉर्बिक एसिड इन द सैंपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन कि यह है एस्कॉर्बिक एसिड और जब यह एस्कॉर्बिक एसिड 2,6 डाइक्लोरोफिनोल डाई के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे में एस्कॉर्बिक एसिड स्वयं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और यह डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर जो डाई है वो कलरलेस ल्यूकोबेस डाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। रिएजेंट्स की जिनकी आवश्यकता है उसमें इम्पॉर्टेंट हैं 10% TCA सॉल्यूशन, डाई सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन और लेमन जूस जिसको कि हम सैंपल में की तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो लेमन जूस हम यूज़ करते हैं उसे डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एपरेटस पर। एपरेटस में बहुत ही सिंपल एपरेटस की यहाँ पर आवश्यकता है, ब्यूरेट, बीकर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मीजरिंग सिलेंडर, पिपेट और सेंट्रीफ्यूज। तो कुछ ग्लासवेयर और केवल सेंट्रीफ्यूज की सहायता से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। टाइट्रेशन करने के बाद इसमें दो टाइट्रेशन होती हैं। एक टाइट्रेशन तो स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है एस्कॉर्बिक एसिड का उसको हम डाई के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं और यहाँ पर हमने जो डाई का वॉल्यूम लिया है वो है 5 ml और इस फर्स्ट टाइट्रेशन के बाद जो हमारी कंकरेंट रीडिंग है वो आती है 2.8 ml। दूसरी टाइट्रेशन में हमने ऑब्जर्वेशन जो है वो सैंपल टाइट्रेशन का है, जो सैंपल लिया गया है उसके लिए टाइट्रेट करेंगे तो यहाँ भी हमने जो डाई का वॉल्यूम लिया है वो 5 ml लिया है हर टाइट्रेशन में और जो कंकरेंट रीडिंग यहाँ पर हमें प्राप्त हुई वो है 10.7 ml ऑफ द सैंपल ऑफ लेमन। इसके अलावा जो दूसरे ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें लेने बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें है वेट ऑफ लेमन। हम जितना लेमन जो है वो यूज़ करेंगे उस सबसे पहले उसका वेट लेंगे, इसके बाद लेमन जूस इन लेमन्स का लेमन जूस निकालकर जितना भी लेमन जूस होगा उसका वॉल्यूम नोट करेंगे। तीसरी जो रीडिंग है वो है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड लेमन जूस विथ 10% TCA। TCA के साथ लेमन जूस का क्या डाइल्यूट है ये हम सैंपल प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। ये हमारा जो हमने लेमन जूस लिया उसका वॉल्यूम था 14.2 ml, इसको हम डबल वॉल्यूम वाटर से इसे हम डाइल्यूट करते हैं तो 14.2 के अंदर हमने 28.4 ml डिस्टिल वाटर मिक्स किया है और इन दोनों का जो कंबाइंड वॉल्यूम बनेगा यानी कि लेमन जूस प्लस डिस्टिल वाटर का उसके 10% हम TCA सॉल्यूशन इसमें मिलाते हैं तो इसमें टोटल वॉल्यूम हमारा बना करीब 42.4 और इसका 10% हमने 4.2 ml TCA सॉल्यूशन जो है इसके अंदर
मिक्स किया है। तो इस तरीके से हमारा जो डाइल्यूटेड लेमन जूस है उसका टोटल वॉल्यूम हो गया 46.8 ml। अब डाई का सॉल्यूशन जो हमने टाइट्रेशन के लिए यूज़ किया है वो हमने लिया है फिक्स वॉल्यूम दैट इज़ 5 ml। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एस्कोर्बिक एसिड यूज्ड इन टू डिकलराइज द डाई सॉल्यूशन, ये हमने लिया है फर्स्ट टाइट्रेशन में, जहाँ पर कि स्टैंडर्ड एस्कॉर्बिक एसिड को हमने डाई के अगेंस्ट जो है वो टाइट्रेट किया तो हमें 2.8 ml प्राप्त हुआ। और दूसरा लेमन जूस के साथ जब हमने किया तो ये हमें 10.7 ml जो हमारी कॉन्करेंट रीडिंग आई थी उसको हमने नोट किया। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हम आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पर। कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। स्टैंडर्ड एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने 50 mg एस्कॉर्बिक एसिड लिया था और उसमें 10% TCA का 1 ml ऐड करके इसको 100 ml तक हमने डाइल्यूट किया था। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल वॉल्यूम है 100 ml उसमें एस्कॉर्बिक एसिड है 50 mg। इसलिए 1 ml के अंदर कितना एस्कॉर्बिक एसिड होगा, 50 / 100 mg, और इसीलिए 2.8 ml जो कि हमारी रीडिंग आई स्टैंडर्ड के साथ उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड का जो अमाउंट होगा वो होगा 1.4 mg एस्कॉर्बिक एसिड। इस तरीके से यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है उसके लिए एस्कॉर्बिक एसिड का जो अमाउंट है स्टैंडर्ड एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो 1.4 mg एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम सैंपल के लिए। अब चूंकि वहाँ पर हमारा 1.4 mg एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो 5 ml डाई को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इस सेकंड जो हमने टाइट्रेशन की वहाँ पर 10.7 ml लेमन जूस जो है वो टाइट्रेशन में काम आया था और उसने 10.7 ml जूस जो है उसने 5 ml डाई को न्यूट्रलाइज किया था। तो 10.7 ml जूस के अंदर 1.4 mg एस्कॉर्बिक एसिड होगा, इसलिए 1 ml लेमन जूस जो है इट विल कंटेन 1.4 / 10.7 mg एस्कॉर्बिक एसिड। सो 46.8 ml ऑफ डाइल्यूटेड लेमन जूस इट विल कंटेन 1.4 / 10.7 × 46.8 इज इक्वल टू 6.12 mg ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। यह 46.8 ये हमारा टोटल डाइल्यूटेड वॉल्यूम था जो कि हमने लेमन जूस के साथ सैंपल प्रिपेयर किया था उसमें बना था, लेमन जूस प्लस डाइल्यूशन प्लस TCA ये मिलाकर के टोटल वॉल्यूम था। तो टोटल वॉल्यूम के अंदर हमारा जो TCA आया है जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो है 6.12 mg। अब इस टोटल वॉल्यूम में एक्चुअल लेमन जूस हमारा जो हमने इनिशियल ऑब्जर्वेशन लिया था वो एक्चुअल लेमन जूस था 14.2 ml। तो 14.2 ml लेमन जूस के अंदर जो एस्कॉर्बिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो है 6.12 mg एस्कॉर्बिक एसिड। इससे हम 1 ml लेमन जूस के अंदर कितना एस्कॉर्बिक एसिड है इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है एंड दैट इज 0.43 mg एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये था कैलकुलेशन का पार्ट। अब हम आते हैं रिजल्ट पर। सो द एस्कॉर्बिक एसिड इन द जूस ऑफ गिवन लेमन इट इज 6.12 mg और वी कैन से दैट इट इज 0.43 mg पर ml। ये हमारा रिजल्ट रहा। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूंगी। एस्कॉर्बिक एसिड एस्टिमेशन के लिए हम यहाँ पर अब डेमोस्ट्रेशन मैं देने जा रही हूँ और इसके लिए हमें जो ग्लासवेयर चाहिए, सबसे पहले हम सारे ग्लासवेयर्स को अच्छी तरीके से रिंस करके उनको क्लीन करेंगे, उसके बाद ही हम ग्लासवेयर जो है उनको यूज़ करेंगे। जो ग्लासवेयर चाहिए वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल, उसके अलावा बीकर, ये मेन ग्लासवेयर्स हमें इसमें आवश्यक है। एपरेटस के अंदर हमें एक सेंट्रीफ्यूज मशीन की ज़रूरत होती है जिसको हमने यहाँ पर पास में ही
लगा रखा है। ग्लासवेयर इकट्ठे करने के बाद हम आते हैं सॉल्यूशन की फॉर्मेशन पर। इस एस्कॉर्बिक एसिड एस्टिमेशन के लिए चार तरह के सॉल्यूशन जो हैं वो हमको प्रिपेयर करने हैं। उसमें सबसे पहले हम TCA बनाएंगे। TCA सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 मिलीग्राम TCA को हम 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे। इस तरीके से TCA सॉल्यूशन जो है बनने के बाद फिर हम स्टैंडर्ड एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन बनाएंगे। ये यहाँ पर स्टैंडर्ड एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो मैंने बना रखा है। इसको बनाने के लिए मैंने 50 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड लिया। उसके पश्चात इसके अंदर 10% TCA सॉल्यूशन जो कि हमने ऑलरेडी बनाया है उसमें से 1 ml जो है इसके अंदर डाला और उसके बाद इसको 100 ml डिस्टिल वाटर लेकर के उसको 100 ml तक बना लिया। तो इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो बन गया है। तीसरा सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे वो है डाई। डाई बनाने के लिए हम इसमें 50 मिलीग्राम डाई लेंगे। यहाँ पर जो हमने डाई काम में लिए वो है 2,6-डाई-क्लोरोफिनोल इंडोफिनोल डाई और इस डाई को लेने के बाद इसमें हम 42 मिलीग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे और इन दोनों को लेकर इसको 100 ml डिस्टिल वाटर जो है वो मिला करके इस डाई सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। ये तीन सॉल्यूशन बनने के बाद अब हम हमारा जो सैंपल है उसको प्रिपेयर करेंगे। सैंपल प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर हमने लेमन लिया है। लेमन के अंदर हम एस्कॉर्बिक एसिड का एस्टिमेशन कर रहे हैं। लेमन लेने के बाद इसको हम सबसे पहले उसका वेट लेंगे। जो हमने लेमन लिया था इसके एस्टिमेशन के लिए उसका वेट करीब 30.2 ग्राम्स था और उस लेमन को हमने फिर स्क्वीज़ किया। स्क्वीज़ करके हमने उसका जूस निकाला और जूस निकाल करके हमने उसका वॉल्यूम लिया। वॉल्यूम का जो लेमन जूस का आया वो करीब 14.2 ml आया। इस 14.2 ml लेमन जूस को हमने सेंट्रीफ्यूज में लेकर और उसको सेंट्रीफ्यूज किया। इसके लिए 3000 RPM पर करीब 5 मिनट तक इस लेमन जूस को सेंट्रीफ्यूज किया और उसके बाद हमने इस सुपरनेंट जो है उसको हमने कलेक्ट कर लिया। सुपरनेंट लेने के बाद अब हम इसमें डबल जितना सुपरनेंट है उसका डबल अमाउंट में डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं जिस और इसको डाइल्यूट करते हैं। तो करीब 14.2 ml जो हमने जूस लिया था उसके अंदर 28.4 ml हमने डिस्टिल वाटर लेकर के इसको डाइल्यूट किया। इस तरीके से ये हमारा पूरा वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 42.4 ml हो गया। अब इस 42.4 ml में हमें 10:1 के रेशो में TCA सॉल्यूशन मिलाना है। इसका मतलब है इसके अंदर हम करीब 4.2 ml डिस्टिल TCA सॉल्यूशन डालेंगे और इस तरीके से ये तीनों चीज़ें मिक्स होकर के दैट मीन्स जूस प्लस डाइल्यूशन दैन TCA ये मिला करके 46.6 ml हमारा टोटल वॉल्यूम बन गया। तो ये सैंपल तैयार हो गया। अब हम करेंगे टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के लिए मैंने ऑलरेडी जो है दो सेटअप किए हुए हैं। एक के अंदर यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड एस्कॉर्बिक एसिड लिया हुआ है टाइट्रेशन के लिए और दूसरा जो ब्यूरेट है उसके अंदर मैंने एस्कॉर्बिक एसिड जो है जो कि सैंपल है उसको लिया है। टाइट्रेशन करने के लिए हम टाइट्रेशन करेंगे डाई सॉल्यूशन के अगेंस्ट। यहाँ पर मैंने कॉनिकल के अंदर 5 ml ऑलरेडी ब्रेजर करके डाई सॉल्यूशन लिया हुआ है और इसको मैं अब टाइट्रेट करती हूँ स्टैंडर्ड एस्कॉर्बिक एसिड के साथ और इसमें हम एटलीस्ट 3 रीडिंग लेंगे जिससे कि हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आ जाए और कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही हो। तो मैं आपको एक रीडिंग लेकर बता रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो गया। डाई जो है डीकलराइज हो गई और अब हम यहाँ पर डीकलराइज होने के बाद रीडिंग जो है उसको नोट कर लेते हैं। ये रीडिंग करीब 2.6 ml आ रही है। ये नोट करने के बाद अब हम दूसरी टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। दूसरी टाइट्रेशन के लिए यहाँ पर मैंने सैंपल लिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड का और इसको भी हम 5 ml डाई के साथ टाइट्रेट करेंगे।
ये मैं ट्राइटेट कर रही हूँ और इसमें भी हम तीन रीडिंग लेंगे। जैसे ही ये डी पर राइज होगा उसके बाद हम इसको रीडिंग जो है इसकी नोट कर लेंगे। हाँ, अब ये देखिए ये भी सॉल्यूशन जो है ये यहाँ पर ये भी डी कलराइज हो गया है। अब इस रीडिंग को भी हम नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस एक्सपेरिमेंट को करने में हमको जो ऑब्जर्वेशन लेना है उसमें टोटल जो लेमन है उसका वेट, फिर बाद में जो हमने स्क्वीज किया जूस उसका हमको वॉल्यूम लेना है, साथ में जो दोनों हमने टाइट्रेशन की उन दोनों टाइट्रेशन जो है उनके ऑब्जर्वेशन हमको नोट करने हैं। और इसके बाद जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ उस कैलकुलेशन के प्रोसेस से हमको इस पूरे जो एस्टिमेशन है उसको कैलकुलेट करके टोटल एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसको ज्ञात करना है। यहाँ पर मैंने इस वाला जो प्रोसेस है इससे एस्टिमेशन इसलिए बताया है कि जहाँ पर जिस ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर संसाधन नहीं हो वहाँ पर सिंपल ब्यूरेट पिपेट की सहायता से हम एस्कॉर्बिक एसिड एस्टिमेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।